5 बजे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान रिहा करने वाले थे, लेकिन 5 बजे के बाद हर एक मिनट हर भारतवासी के लिए एक एक घंटा लग रहा था। कल पूरा भारत देश ये टेलीविजन के ऊपर आंखें गड़ा कर बैठा था। रास्ते सारे खाली थे, सारे मॉल्स खाली थे, कोई कहीं पर कोई भी बाहर नहीं था मार्केट में। तो पूरा भारत ये बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था अपने विंग कमांडर को रिसीव करने के लिए। लेकिन ये देरी जो पाकिस्तान ने की, ये देरी पाकिस्तान ने क्यों की? ये शायद देरी इसीलिए की कि आप ये डॉक्टर और ये फेक वीडियो आप बनवा रहते उनसे, और इसका जवाब पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा कि ये जो पूरा डिले हुआ डॉक्यूमेंटेशन में, मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगना चाहिए, और ये जो पूरा डिले हुआ है, इस पूरे डिले की वजह और इस डिले का कारण ये पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज करके उन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान किया है या शांति का बहुत बड़ा प्रस्ताव लेकर वो आए हैं भारत की तरफ, तो पाकिस्तान बहुत गलतफहमी में है, क्योंकि आपने जिनेवा कन्वेंशन ये कब का आपने वायलेट कर दिया। सबसे पहले तो आपने वायलेट तब किया जब आपने विंग कमांडर अभिनंदन को जब पकड़ा, तब आपने उसके फोटोग्राफ्स रिलीज किए, उसकी वीडियो रिलीज किए। कल जो आपने एक फेक वीडियो रिलीज किया, डॉक्टर्ड वीडियो था वो, कितने सारे कट्स थे उसमें, आपका बेसिकली उद्देश्य क्या है? क्या आपका ये उद्देश्य है कि एक प्रकारे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आप गेम खेलना चाहते हैं भारत के साथ? तो मैं आपको एक चीज बता दूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस चीज में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारत ये एक बहुत बलशाली राष्ट्र है, और भारत की यूनिटी के ऊपर आप संदेह मत करिए।